वेलकम टू कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस तीन का तड़का। आज है हमारा ग्रैंड फिनाले। जब कॉमेडी समझ ना आए तो बाबा कॉमेडी सिखाए। सीखिए जोक आनंद बाबा से कैसे की जाती है कॉमेडी। प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश और मेलिसा। कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी सर्कस। कॉमेडी सर्कस तीन का है तड़का, कॉमेडी सर्कस तीन का है तड़का। आ आ आ कॉमेडी है ये लाइनिंग की और टाइमिंग की। कितनी टाइमिंग है बच्चों में। कॉमेडी की हर बात बताने जो का नंद आ गया। सुन लो रोहित अर्चना। अरे बाबा, अब तक तो परमीत ने भी सुन लिया होगा। बाबा जब हो जाए तो बता देना। रोहित जी, अर्चना जी, आज जो हमारे बीच बाबा आए हैंगे, ये छी 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 2010 जोगानंद महाराज जी हैंगे, ये सबका दुख दूर करते हैंगे। तो बोलिए जोगानंद महाराज की माँ की जय। भक्त जनो, भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। अरे बाबा क्या, हम क्या, पूरा गांव इनकी माँ की इज्जत करता है। बेटा चुटकुलेश्वर जी, बाबा जिस वाहन पे हम आए हैं उसका ध्यान रखो। अरे बाबा, आज के जमाने में साइकिल कौन चुराता है बाबा। जिसका हम लाए हैं वो तो आ सकता हैंगा। हाँ बाबा, रोहित इधर आ सकता हैंगा बाबा। बाबा ये टूट हैंगे, दिखने में तो ये कांग्रेसी हैंगे लेकिन आने में समाजवादी। बोलिए जोगानंद महाराज की माँ की। पुत्री डार्लिंग। जी बाबा। वक्त कितना हो गया? वक्त बाबा, सूरज निकल गया बाबा। जिमी मौजिज के साथ जो भी होगा निकल जाएगा। बाबा, मैं आपके साथ कब से हूँ लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ। कैसे होता, तुमने तो पहले दिन ही ना कर दी थी। तुम्हारा विवाह हो गया? नहीं। जरा सा भी नहीं? जरा सा भी नहीं। क्या है यार? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? अरे जब विवाह नहीं हुआ तो बच्चे कैसे होंगे, जब यहाँ बिना पेमेंट के कॉमेडी हो रही है। तो बिना विवाह के बच्चे क्यों नहीं हो सकते? रोशनी बच्चे कैसे हैं? बेटा मायला कुठे है बाबा? बाबा ये कौन है, इसकी बातें तो मेरी ऊपर से निकल रही है। तुम्हारे ऊपर से तो बातें निकल रही हैं, मेरे ऊपर से तो पूरा आदमी निकल गया। पुत्र अरे भिखारी लोग हट। अरे
बाबा कुटे रे, यही तो बाबा है। बाबा बाबा माफ कर दो बाबा, बाबा बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में बाबा। मेरी बीबी मुझसे बहुत नाखुश रहती है बाबा। मैं रात को 2-2 बजे घर पे आता हूँ बाबा। ये समस्या है या इनविटेशन? अरे बाबा, मेरी बीबी मेरे को सीरियसली नहीं लेती है बाबा। मजाक में तो लेती है बाबा। लेकिन ये मजाक मजाक के चक्कर में 10-15 रजा को गए ले घर पे। क्या बोलू। जब आंखें खोलेंगे एक हमें भी देना। काय रे बच्चे पिल्ले थोड़ी है। बाबा प्यार मेरी बहुत बड़ी समस्या है बाबा। प्यार किधर पैदा हुआ था बाबा? प्यार को गाली मत दो, प्यार तो चाइना का माल है। इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या बात बोले ले बाबा। लेकिन बाबा इसमें कौन नहीं किधर थी? कभी कभी मैसेज के भी नंबर मिलते हैं, क्यों रोहित? अच्छा बाबा, मैं तो इधर सुलभ शौचालय में आया था, हल्का हो गया तो आप विश्राम करिए। हाँ बाबा, हेलो बाबा, बाबा मुझे पहचानो? नहीं। कैसे पहचानोगे, जब लास्ट टाइम मिली तो लंबी लंबी दाढ़ी थी। फिर कटवा क्यों दी? अबे मैंने नहीं, तुम्हारी दाढ़ी थी। बाबा मैं वो हूँ, डाली 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 एयर होस्टेस। पहचान लिया? देखो बाबा ने चेहरा दिखकर पहचाना ही नहीं, जैसे मेरे 2 डायलॉग के सुन लिए। हद से पहचान के बाबा। बाबा यू डैम क्यूट। आपकी समस्या क्या है? तू बीच में काय को बोलती है? मुझे ये शो नहीं करना। एक तो मुश्किल से 2 लाइनें मिली है, वो भी बोलने नहीं दे रहे हो। ये लाइन किसने दी इसको? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारी समस्या क्या है? बाबा मैं स्टैंड अप करना चाहती हूँ। यहाँ जो स्टैंड अप है उनसे ढंग से नहीं हो रहा। तुम क्या करोगे? लेकिन मैं सबको हंसा सकती हूँ बाबा। कहने को तो ये सुरेंद्र भी हंसा सकता है, तुझे हंसाता क्यों नहीं है? कहा ना कहने को सिर्फ। तुम तो एयर होस्टेस हो, हवा में उड़ती हो, तुम्हें कॉमेडियन बनने का शौक कैसे पैदा हो गया? अरे बाबा, जब 2 कौड़ी की स्मिता और 4 कौड़ी की लगा लो, जब ये ठीक ठाक एक्ट करके हवा में उड़ सकती है, तो ये हवा में रहने वाली जमीन पे आके एक्ट नहीं कर सकती। कॉमेडी करना कोई बच्चों का खेल नहीं। हाँ, तभी आज के लिए बच्ची सलोनी तुमसे ज्यादा मार्क्स ले रही है ना। चेंज द टॉपिक। बाबा ये जो हाथ है ना, इसको नीचे रखो ना, डिस्टर्ब करता है, फेस दिखाई नहीं देता। ओके तो मैं ये सॉरी तो मैं मैं थप्पड़ मारना है तेरे। पीछे रख। बाबा मुझे एक मेन बात बताइए ना। अच्छा एक आध एपिसोड में बाबा ये सुदेश डायलॉग क्यों भूल गया था? सुदेश कभी नहीं बोल सकता, कृष्णा भूला होगा, वो ही बोलता है। सुदेश का अगली लाइन क्या है? मैं बताता हूँ बाबा, बताता हूँ। सालो अबे कितने पैसे जमा किए तुम लोगों ने, भिखारी लोगों? ओ सर जी मेरी बात सुन लो पहले। ओ यहाँ हमसे भी बड़े भिखारी बैठे, किसी ने पैसा नहीं दिया हमको। साले हर महीने तनख्वाह लेने आ जाते हो, भीख भी जमा कर सकते। अभी मैं बॉस को फोन करता हूँ। हेलो अर्चना। अरे साले ये 2 रुपए नहीं जमा कर सकते ये लोग, भिखारी लोग खा ले। वो कहती है कि अपने बॉस से कंप्लेंट कर देगी। अर्चना जी के बॉस कौन है? आपका बॉस कौन है मैम? कौन है? सुरेंद्र। ओ यार अर्चना को फोन करो कि हमारी तनख्वाह चाहे ना दे, बॉस तो अच्छा रख ले।
कब तक हम भीख मांग मांग के अर्चना जी का पेट पालते रहेंगे? जब तक प्रोड्यूसर उनके पैसे नहीं दे देता तो अब हम क्या करें?